पीआईसी पर हमले में पेश हसन नियाजी छलावा बन गया। तीन रोज हो गए, पुलिस वजीर आजम के भांजे को गिरफ्तार करने में नाकाम। 93 वकला को अब तक पकड़ा गया है, हसन नियाजी क्यों पकड़ में नहीं आ रहा? एहलकारों ने घर पर छापे की कार्रवाई भी कर दिखाई। लाहौर में गिरफ्तार 29 वकला की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेशी, सिक्योरिटी के कड़े इंतजामात। वकला की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत के लिए लाहौर हाईकोर्ट का नया बेंच तश्कील दे दिया गया। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में बेंच केस सुनेगा। वकला की मुल्क भर में हड़ताल, अदालती काम ठप। लाहौर हाईकोर्ट बार के अहदेदारों की जज से केसेस खारिज ना करने की इस्तदा। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली नकवी बोले, वकला पढ़े लिखे लोग हैं, हक बनता है कि पीआईसी जाकर फूल पेश करें, अच्छे अखलाक और रवैये से मामलात बेहतर होते हैं। जस्टिस सैयद मुजाहिर अली अकबर नकवी का जवाब। पीसीओ वकला इस वक्त गिरफ्तार हुए हैं, डिटेंशन में हैं, उन सबको फिल फौर रिहा किया जाए। हम कहते हैं एक फेयर एंड इम्पार्शल इंक्वायरी की जाए, ओपन इंक्वायरी होनी चाहिए। हम हुकूमत के रोल के मजम्मत करते हैं जिन्होंने इस सूरत हाल को हाथ से निकल जाने दिया। सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हामिद खान वकला की हिमायत में सामने आ गए, कहते हैं किसका क्या कसूर है ये फैसला होना बाकी है। गिरफ्तार वकला को रिहा और वाकये की इंक्वायरी के लिए जुडिशियल कमीशन बनाया जाए। दिल के मरीजों के लिए बड़ी खबर, लाहौर में डॉक्टर्स और पैरा मेडिकल स्टाफ पीआईसी की इमरजेंसी खोलने के लिए कोशां। आज रात 8 बजे तक इलाज शुरू किया जाएगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी भी तायुनात। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तबीयत मजीद खराब, डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयना किया, इलाज इस्लामाबाद, कराची या बैरून मुल्क होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत ने मामला डॉक्टर पर छोड़ दिया। कराची के जियाउद्दीन हॉस्पिटल इदारा अमराज कल्ब में भी इलाज के इंतजामात मुकम्मल। आसिफ जरदारी की जमानत होना अच्छी बात है, तमाम जमातों को मुत्तफिका चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहिए। मुल्क खाना जंगी की तरफ नहीं, बेहतरी की तरफ जाएगा। वजीर रेलवे शेख रशीद का कहना है, भारत में मुसलमानों के गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, भारतीय मुसलमान पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। आजम पाकिस्तान ने एक कमेटी तश्कील दी है, उस कमेटी को वो खुद हेड कर रहे हैं, मैं उसको कोऑर्डिनेट करूंगी और उसमें आपके पीएफयूजे के प्रेसिडेंट, आपकी एपीएनएस के सदर और वो स्टेक होल्डर जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस शोबे के साथ जुड़े हैं उनके नुमाइंदों पर मुश्तमिल ये कमेटी बनाई गई है। वज़ीर आज़म ने मीडिया से जुड़े चैनल से निपटने के लिए सहाफती तंजीमों पर मुश्तमिल कमेटी बना दी। पीबीए, एपीएनएस और दीगर स्टेक होल्डर्स शामिल होंगे। मावनी खुसूसी फिरदौस आशिक अदान का कहना है, कमेटी की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे, मीडिया वर्कर्स और मालिकान के मसाइल का तदारुक करेंगे। जायद असासाजात केस में आगा सिराज दुरानी और दीगर की दरख्वास्त जमानत मंजूर, सिंध हाई कोर्ट का 10-10 लाख रुपए के मचल के पासपोर्ट जमा कराने और नाम ईसीएल में शामिल करने का हुक्म। कौमी असम्बली में फिर शोर शराबा, वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान और मरियम औरंगजेब में झड़प, स्पीकर की तरफ से मुदाखलत के बावजूद एक दूसरे पर जुमलेबाजी।
नेशनल क्राइम एजेंसी बरतानिया से मिलने वाली रकम कहां गई? खुरम दस्तगीर का सवाल। अली मोहम्मद खान का जवाब देने से गुरेज। अभी हमने दोबारा इलेक्शन कमीशन का वो एतमाद बहाल करना है तो उसकी तकरीरी के लिए ऐसे मेंबरान का चुनाव हो जो बिल्कुल वो साफ भी हो, ईमानदार भी हो और अपने अपने इदारों में या वो लीगल साइड पे जहां पर भी हो या कानूनी हैसियत उसकी हो उसमें उसकी अच्छी शोहरत हो। मौजूदा हुकूमत इतनी वीक कमजोर है और नाअहल है कि वो किसी बात पे भी इत्तेफाक रहे पैदा नहीं कर सकते। ऑपोजिशन की राबर कमेटी का इजलास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकरारी के मामले पर गौर। अकरम दुरानी का कहना है हमने इलेक्शन कमीशन का एतमाद बहाल करना है, नाअहल हुकूमत मामला हल ही नहीं कर रही। एहसन इकबाल बोले वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हुकूमत का फर्ज था आईन के मुताबिक कि चार महीने पहले इस प्रोसेस को शुरू करती। ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उनको जगाया कि भाई ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर होने वाले हैं, खुदा के लिए उठो और इस अमल को शुरू करो, आप नहीं करते तो हम शुरू कर देते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस आसिफ सईद खोसा के एजाज में अलविदाई तकरीब। जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने स्टाफ की कारकर्दगी को सराहा, अदालती स्टाफ ने तहाइफ भी पेश किए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के तीन नए जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह ने हल्फ लिया। नए जजेस में पहली खातून जज लुबना सलीम परवेज भी शामिल। फयाज अहमद जनरान और गुलाम आजम कमरानी ने भी हल्फ उठाया। सूद पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां शदीद दबाव में, बेरोजगारी में इजाफा हो गया। माहिर मुआशियात डॉक्टर कैसर बंगाली का कहना है अमरीकी में शराय सूद सिर्फ 1.75 और पाकिस्तान में 13.25 है। सट्टेबाज अमरीका में कर्जे लेकर पाकिस्तान में समाही बॉन्ड्स खरीद कर दुगना मुनाफा कमा रहे हैं। डॉलर के रेट्स मुस्तहकम होने से सरमायाकारों को नुकसान का अंदेशा कम हो गया। मौसम में सरमा की झड़ी लग गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, नारोवाल, उकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया और दीगर जगहों पर बादल बरसे। मरी, एबटाबाद में बर्फबारी से जिंदगी जम गई। पंजाब के मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त शदीद धुंध रही। प्रिंस करीम आगा खान 83 साल के हो गए। दुनिया भर में सालगिरह की तकरीबात केक काटे गए। इस्माइली फिरकी के रूहानी पेशवा स्विट्जरलैंड के शहर जनेवा में 13 दिसंबर 1936 को पैदा हुए थे। ML-1 अपना काम शुरू कर देगा तो हम इंशाल्लाह इस ट्रैक से भी एक ट्रेन का इजरा करेंगे। कलम 25 साल के बाद जल्लो मोड़ वागा ट्रेन का इफ्तिताह कर रहे हैं दोपहर को 1 बजे ताकि उस इलाके के लाहौर के इलाके के गरीबों को सहूलत मिले। इंशाल्लाह कल फैसला करेंगे। एक ट्रेन हम रायवंड में भी यहीं से और इसी ट्रेन को कोई ऐसा टाइम टेबल सेट करेंगे कि लाहौर रायवंड जो लोगों की डिमांड है लाहौर वालों की उसको भी हम पूरा करें। हमारी पूरी कोशिश है रेलवे, पहले हमारा ख्याल था 5 साल में खसारा पूरा करेंगे, इंशाल्लाह 3 साल में करेंगे। हमारी पैसेंजर की अर्निंग भी टारगेट से ज़्यादा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसका क्रेडिट सीओ साहब को और पूरे रेल के अफसरान को जाता है, मजदूरों को जाता है। कल मेरी ख्वाहिश है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को, रात भी मैंने बात की है, 1 से लेके 16 ग्रेड तक ताकि
इस महंगाई के दौर में रेलवे के मजदूर को भी कोई सहूलत मिले, और जितने TLA के मुलाजिम हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, ये रेलवे के लोग गए हुए हैं। 23 तारीख को वो केस लगा है, 23 को लगा है कैसा साहब, मैंने पता किया था, आपने 30 की खबर दी थी। तो उसमें जो भी फैसला आया, जिस दिन ये फैसला आया, TLA के भी तमाम मुलाजमीन को कन्फर्म करेंगे। और जहाँ तक कि पाकिस्तान रेलवे है, यकीनी तौर पर ये 138 ट्रेनें रोज़ाना चला रहे हैं, और 12 से 15 ट्रेनें हम औस जो है वो फ्रेट पे ले आए हैं, और कराची भी जाकर इंशाअल्लाह ताला इस फ्रेट को भी हम प्राइवेट पार्टीज़ को ऑफ़र कर रहे हैं कि वो अपने इंजन लाएं, अपनी वैगनें लाएं, इस पर वो काम कर रहे हैं। हम फ्री ट्रैक पॉलिसी ला रहे हैं ताकि प्राइवेट कंपनियां भी अपनी ट्रेनें चला सकें, फ्रेट वैगनें चला सकें।